ये तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं ना कि अध्यात्म आपको आपकी सरलता, निर्दोषता, निर्मलता, बाल्यपन की तरफ ले जाने का काम है। तो इसका अर्थ नहीं देख रहे, इसका अर्थ यही तो हुआ कि अध्यात्म आपको दोबारा बच्चा बनाने का काम है। दोबारा बच्चा क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जब पहली बार बच्चे बने थे तब बच्चे हो ही नहीं पाए, जल्दी से ही खींच के बड़े कर दिए गए, या बच्चे पर हजार तरीके की बंदिशें थीं, तो उसका बचपना या उसका कैशोर्य रहा ही नहीं। तो फिर अब दोबारा करना पड़ता है। तब तरीका सीधा था, अब तरीका लंबा है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, ध्यान करो, भजन गाओ, नहीं तो वही गाय भैंसों का तरीका देखिए ना कितना सरल है। और आप उन भैंसों को देखेंगे चरते हुए, अगर आपकी दृष्टि पक्षपात से भरी हुई नहीं है तो आपको साफ दिखाई देगा कि वो ध्यानस्थ हैं। ध्यान के जितने भी लक्षण हैं सब उनमें विद्यमान है। शरीर स्थिर है, आसपास के माहौल से उदासीनता है, दूसरों को लेकर के तुलना या स्पृहा का भाव नहीं है, न गत की चिंता है न आगत की। और कर क्या रही है? भैंस घास चर रही है, इतना काफी होता है। आज अनुष्का कमरे में थी तो महाभारत पर बात करने लगी। पिछले रविवार को कोई नाटक देख करके आई है जिसमें कर्ण, कृष्ण इन सबका एक वैकल्पिक चित्रण किया गया है। उसने एक बात बोली, बोली ये सबके सब विलक्षण लोग थे, अद्भुत। अरे कर्ण को देखिए आप, तो चौड़ा है, लंबा है, एक गरीब घर में उसकी परवरिश हुई है, बहुत ऊंची उसको शिक्षा नहीं मिली है, लेकिन चेहरा उसका तेज से दमदमा रहा है। वही बात अर्जुन के लिए, जब वो स्थिति होती है तब ये संभव हो पाता है कि गीता आप पर उतरे। मजबूत बाहें हैं अर्जुन की, लड़ाका है। और भूलिएगा नहीं कि महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन कोई 25 साल का नहीं है, अर्जुन भी करीब करीब प्रौढ़ हो चुका है, बेटा ही उसका 16 साल का है। इतने सालों का तो अज्ञातवास भोग करके आया है और उसके बाद भी उसका शौर्य देखिए, उसका तेज देखिए, उसका शरीर देखिए। और खड़े हैं भीष्म सामने, वो दादा नहीं, वो पर दादा है। और प्रौढ़ अर्जुन के गुरु खड़े हैं, उनकी पूरी दाढ़ी सफेद है। जब ये माहौल होता है तब गीता उतर सकती है। ये वो लोग नहीं है जो जीवन से बचते कतराते रहे हैं, जिन्होंने
एक कमरे में बैठ करके ज्ञान लाभ किया हो। ये वो लोग हैं जो जिंदगी के सामने उतरे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर तरह की ऊंच नीच देखी है, ये जीवन से जूझे हैं, ये उलझे हैं, इन्होंने संग्राम किया है, ये अछूते नहीं रहे हैं, ये हर तरीके से उलझे हुए लोग हैं, ये परिवार में उलझे हुए लोग हैं, ये अपने बड़ों से उलझे हुए लोग हैं, ये अपने बच्चों से उलझे हुए लोग हैं, ये अपनी पत्नी से उलझे हुए लोग हैं, ये समाज से उलझे हुए लोग हैं, ये प्रारब्ध से उलझे हुए लोग हैं। उलझना इतना ही नहीं होता कि लड़ाई हो गई, हथियार चल रहे हैं। आप देखें अगर किसी भी चरित्र को महाभारत के, तो वो अनेक तलों पर संलग्न है, एंगेज्ड है, कहीं से भी वो कतरा नहीं रहा, मुंह नहीं चुरा रहा। और चूंकि जीवन देखा है, इसीलिए फिर उस माहौल में कृष्ण कुछ कह पाते हैं, गीता उतर पाती है। काफ़ी मौके मिले हैं मुझे कृष्ण पर, गीता पर बोलने के, और मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि कृष्ण यदि वही हैं जो उन्हें कहा जाता है, तो गीता को तो बरसना चाहिए, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, कृष्ण अनादि अनंत हैं, हर जगह हैं, लगातार हैं, सबके सामने हैं, सबके भीतर हैं, तो फिर गीता यदा कदा ही क्यों उतरती दिखाई देती है? इतने धर्म ग्रंथ हुए, वो इतने विरल क्यों रहे? सैकड़ों हजारों साल में ही ऐसा क्यों होता है कि कोई उत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ अवतरित हो पाता है? वो इसलिए नहीं क्योंकि देने वाला ऐसा चाहता है कि रुक रुक के दिया जाए, थम थम के दिया जाए, लंबे लंबे अंतराल पर दिया जाए, वो इसलिए है क्योंकि पात्र नहीं मिलता, वो माहौल नहीं मिलता। कबाड़ी बाजार में जाकर के कृष्ण गीता का उपदेश दे भी तो सुनेगा कौन? उसके लिए तो कोई चाहिए जो जीवन की गर्म ठंडी हवाएं झेल चुका हो, जो लपटों से गुजर चुका हो, जिसने तमाम मौसम देखे हो। अज्ञातवास में अर्जुन भेष बदल के नर्तक बन गया था, नाच सिखाया करता था। अर्जुन नाचना जानता है, अर्जुन नाचना जानता है, ये भूलिएगा नहीं, योद्धा ही भर नहीं है। पर नाचते नाचते एक दिन जिसको नृत्य सिखाता था, उसी की रक्षा में उलझ भी बैठता है, वध भी कर डालता है, वो नर्तक योद्धा है। और कृष्ण का तो है ही, मुरली बाज उठी अनघाता। कृष्ण नर्तक भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, ये सब शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। ये शर्तें नहीं पूरी हो रही तो गीता नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, 8 फीट के स्विमिंग पूल में नहीं डूब पा रहे तो परमात्मा महासागर में कैसे डूब जाओगे? और अर्जुन ने प्रेम जाना है, तमाम स्त्रियों से उसका संबंध रहा है, और कृष्ण के तो कहने ही क्या, रास के राजा हैं। और दुख जाना है अर्जुन ने, धोखे खाए हैं अपने ही भाई से,
साजिश का शिकार हुआ है, लाक्षाग्रह की आग झेली है, जिसका जीवन सुरक्षा में बीता हो, उसे पता कैसे चलेगा कि इंसान का चित्त क्या होता है? अपनी पत्नी को अपमानित होते हुए देखा है, बिकते हुए देखा है, दांव पर लगकर लुटते हुए देखा है, कभी वो इंद्रप्रस्थ का राजा रहा है, कभी भिखारी, जिन्होंने ये ऊंचाइयां और ये निचाइयां देखी ही नहीं, जिनका जीवन लगातार एक सी व्यवस्था में बीता है कि हर महीने बंधी हुई आय आ जाती है और उसमें कोई तब्दीली होती नहीं, कभी 10% ज्यादा, कभी 10% कम, बस इतनी ही, वो कैसे समझेंगे गीता को? अर्जुन तो कभी राह का भिखारी रहा है, कभी बहुत बड़ा राजा, और अर्जुन ने देखा है द्यूत क्रीड़ा का प्रतीक, समझिएगा, द्यूत क्रीड़ा का मतलब यही नहीं होता कि जुए में हार गया अर्जुन अपनी पत्नी को, द्यूत क्रीड़ा या द्यूत प्रतीक है इस बात का कि जीवन ही जुआ है, कभी भी कुछ भी हार सकते हो, और अगर तुमने हारने के खिलाफ, लुट जाने के खिलाफ, अनिश्चितता के खिलाफ प्रबंध कर लिए हैं तो तुम कभी अर्जुन नहीं हो पाओगे, अर्जुन नहीं हो पाओगे तो गीता के पात्र नहीं बनोगे, अब गीता नहीं मिलेगी। आवश्यक है कि तुमने देखा हो घोर दुर्भाग्य को, और आवश्यक है कि तुमने देखा हो परम ऐश्वर्य को, महलों के राजा हो कभी, कभी सड़कों के भिखारी, कभी जंगल में घूम रहे हो और जंगल में भी ऐसे घूम रहे हो छुप छुप के कि कोई पहचान ना पाए, पहचान लिया तो न जाने कितने वर्ष और का अज्ञातवास। जो सुरक्षा में भरा हुआ जीवन जी रहे हो, सुरक्षा दोनों किस्म की होती है, जब आप एक स्विमिंग पूल, एक तरण ताल में उतरने से मना करते हैं तो सुरक्षा की ही मांग है ना, आप असुरक्षित होने से डरते हैं, और सुरक्षा की ही मांग तब है जब आप कहते हैं ना मैं जीवन में उतरने से डरता हूँ, जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा मुझे एक बंदी बधाई नौकरी चाहिए जिसमें माह की एक निश्चित आमदनी आ जाए, ये दोनों एक बात है। स्विमिंग पूल का डर और आमदनी में ऊंच नीच हो जाने का डर एक चीज है, और जिसको ये डर लगते हैं उसके लिए गीता कहां? कृष्ण तो सबके लिए थे, सब नहीं पहचान पाए ना, उन्हें वही पहचान पाएगा जिसने जिंदगी देखी है, जिंदगी देखी है, और जिंदगी को देखने का मतलब ये नहीं कि दूर खड़े होकर साक्षी की तरह देख रहे हैं, आप साक्षी मत बनिए, आप तो पहले भोक्ता बनिए, साक्षी तो बहुत बात की बात, हमने तो अभी तक जिंदगी का रस ही नहीं लिया, स्वाद ही नहीं लिया, चखा ही नहीं है, तो आप भोगिए पहले। समझ रहे हो, कृष्ण तैयार हैं बल्कि आतुर हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं, गीता कहाँ नहीं गूंज रही है, आपको तब सुनाई पड़ेगी जब आप खुलेंगे। तो पहले तो इन मैदानों के प्रति खुलिए, ये मिट्टी है, ये घास है, ये पेड़ है, ये क्रीड़ा के तमाम आयोजन हैं, इनके प्रति खुलिए, इनके प्रति खुलेंगे जब पहले, तब आपके लिए संभव हो पाएगा गीता के प्रति खुलना। हम्म,
इसीलिए अच्छा हुआ कि आज सत्र 4 बजे शुरू हुआ। अर्हता अर्जित करनी पड़ती है ना, पहले शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो सुबह से लेकर 4 बजे तक आप शर्तें पूरी कर रहे थे सत्र की, ऐसा मेरा अनुमान है, उम्मीद है कि ठीक होगा। और पूरी करिए, थक करके, धूप में चेहरा जला करके, एक अलग ही दिन बिता करके, फिर आप जब मुझसे मिलने आएंगे तो आपके सुनने की गुणवत्ता और होगी। और आरामदायक बिस्तर से उठ करके, यहाँ यह भी सुविधा है, गद्दे नरम हैं, कमरे सुविधा से भरे हुए हैं, तो इन नरम गद्दों से उठ करके और कमरे में ही टी मेकर से टी बना करके आप उठ करके यहाँ सामने आ गए और बात करने लगे तो कुछ बात बनेगी नहीं। समझ में आ रहा है? इन कमरों की सहूलियत से ज़्यादा आप मिट्टी को चुनिए। देखिए वो वही भैंसें जिनकी बात कर रहा था, देखिए बाहर कमरों की सहूलियत से ज़्यादा इस मिट्टी को चुनिए। 3.5 दिन बचे हैं, उनमें हाथ पांव, मैं कहता हूँ मन भी गंदा करिए। हम जिसको सफाई कहते हैं उससे ज्यादा साफ गंदगी है, तो गंदा होने दीजिए। दिन में 3 की जगह 2 सत्र करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो 1 सत्र बहुत होगा। अर्जुन कोई जीवन भर थोड़ी गीता सुनता था, एक मौका आया था, जैसे शिखर हो, जैसे क्लाइमेक्स हो, और काफी था। पर शिखर पर पहुंचना जरूरी है ना, पहले वहां पहुंचे बिना ही अगर कोई यूं ही गीता बड़बड़ा रहा है तो उस पर व्यर्थ जानी है। समझ रहे हैं? मैं समझता हूं हमारे जितने शिविर हुए हैं, छोटे बड़े, छात्रों के साथ, प्रौढ़ों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, 50 के आसपास अब उनकी संख्या पहुंच रही होगी, उनमें सबसे सफल वही रहे हैं जो सबसे रोमांचक रहे हैं। जिनमें शरीर बिल्कुल टूट गया है, जिनमें 400-400 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई गई है, जिनमें कभी कोई गिर गया है तो उसके खून आ गया है, जिनमें कभी किसी को बुखार है, वही वो सत्र रहे हैं जिन्होंने बहुतों का जीवन बदल दिया। आप फाउंडेशन के लोगों को देखते हैं, ये सब के सब ऐसे ही शिविरों और सत्रों की पैदाइश हैं, चाहे ये हों वो हों। अब तो आप लोग बड़ी सुविधा पाते हो कि आए हो और वेलकम ड्रिंक मिल रहा है, कमाल हो गया। जो हमारे खालिस कैंप हुआ करते थे वो दूसरे थे, वहां मामला ऐसा नहीं था, वहां कई बार पता भी नहीं होता था कहां को जा रहे हैं। काफिला चलता था और
मामला बड़ा मिट्टी से जुड़ा हुआ था और उन्हीं में सबसे ज़्यादा लाभ भी हुआ है लोगों को। मैंने वास्तव में जिंदगियों को बदलते हुए और बनते हुए देखा है, चेहरे बदलते देखे हैं। चेहरे से याद आया, विनेश जी आपका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं अभी कह रहा था कि विनेश जी जब गए थे तो 25 के थे, करीब करीब लड़के जैसे, और आए हैं तो 45 के लग रहे हैं, मर्द। बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा है। अब बात सिर्फ दाढ़ी की नहीं है, भाव अलग है, आँखें अलग हैं। पहचाने न जाए ऐसे हो गए हैं। हाँ, तो मर्द होना है, ये चेहरा चाहिए। आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ अगर आपने इनकी पहले की शक्ल नहीं देखी है। जाड़ों में जब गए थे यहाँ से, तब की इनकी आप कोई फोटो वगैरह देखिएगा। मर्द पर उतरती है गीता, छोकरों के लिए नहीं है। कमजोरों के लिए नहीं है। खेलें, कूदें, अपने आप को जरा चुनौती दें। अच्छा है पांव मुड़ जाए, मोच आ जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। बचा के क्या करोगे देह को, चिता के पार तो जानी नहीं है कि जानी है। तो जब उसे खत्म ही होना है तो थोड़ा पहले ही खत्म कर दो, जरा उसका सुप्रयोग ही कर लो। गोरी खाल हो, मुलायम खाल हो, काली खाल हो, कठोर खाल हो, जल तो सभी जाती हैं। तो गोरे गोरे कोमल कोमल होके क्या बचा लोगे? कृष्ण यूं ही सांवले नहीं थे, भटकते होंगे धूप में इधर से उधर। चरित्र ही ऐसा था उनका, उन्हें चैन कहां मिलना था शांति से कि पड़े हुए हैं राजभवन में। और सांवले तो सांवले, सुनील थे। सुनील समझते हो, नीला। नीले होने में एक तो बात यह होती है कि जब सांवला रंग निखरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें से नीलिमा प्रकाशित हो रही है। दूसरा, मुझे एक दूसरी बात भी लगती है, जब पंगे लेते हो, मार पिटाई करते हो, तो नीले तो हो ही जाते हो, कभी इधर कभी उधर। उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो गिरिए, कहीं घुटना नीला हो, कहीं मुंह नीला हो, कृष्ण ऐसे नहीं हैं जो जिंदगी से भागें, वो जिंदगी में उतरे हुए हैं, वो कोई विरक्त नहीं है। वो तो राजनीति भी खूब समझते हैं और करते भी हैं।
यहाँ अभय जी हैं, आए, दो दफ़ा बातचीत हुई। पहली दफ़ा तो मैंने बोला कि आप ये ग्रंथ पढ़िए, ऐसा करिए, वैसा करिए, पर दोबारा आए जल्दी ही, हफ्ते 10 दिन के भीतर लौट के आए। मैं समझा, मैंने कहा इस आदमी में आतुरता है, प्यास है। पहली बार आए तो मैंने कहा आप ये पढ़िए, वो पढ़िए, पाठ करिए। दूसरी बार आए मैंने कहा आप साइकिल चलाइए, आप छोकरे बन जाइए, आपके लिए यही है। ये नहीं कहा कि जो पहली बार की बात थी उसका पालन ना करें, वो भी करें, लेकिन अब ज़्यादा ऊंची बात बता रहा हूँ। पहले तो कहा था कि धर्म ग्रंथों का पाठन करें, और अब कह रहा हूँ गिटार बजाना सीखें। गिटार में ज़्यादा अध्यात्म है, क्योंकि वो आपके ज़्यादा करीब की बात है। आप धर्मग्रंथ का पढ़ेंगे, उसमें जो बात कही जा रही है वो आपसे इतनी दूर की है कि आप उसे छू नहीं पाएंगे। शुरुआत तो आपको वहीं से करनी है ना, जहाँ आप हैं। बहुत दूर की बात हो सकता है बहुत विशुद्ध हो, बहुत पूर्ण हो, लेकिन आपके किस काम की उपयोगिता क्या है उसकी, आप वो करें जो आपके लिए उपयोगी है। सीढ़ी में कई पायदान होते हैं, आपके काम का कौन सा होता है? आपके सामने एक सीढ़ी है, उस 100 उसमें पायदान है, आपके काम का कौन सा है जिसको आप छू सकें, जो आपके सामने हो, या सबसे जो ऊपर वाला है वो आपके काम का है? वो ऊपर निश्चित रूप से है, पर आप तो उसकी पूजा करिए जो आपके सामने है, क्योंकि वही आपको ऊपर तक लेके जाएगा। यही वजह है कि कोई धर्म ग्रंथ आम तौर पर साधारण गृहस्थों को बोला ही नहीं गया। अष्टावक्र अगर उपदेश देते हैं तो राजा को देते हैं, योग वाशिष्ठ है तो वहां राम सामने बैठे हैं, उपनिषद भी हैं तो वहां पर जंगल में बैठे गुरु हैं और उनके सामने शिष्य हैं। सुरक्षा के तलबगारों से आज तक कोई ऊंची बात कही ही नहीं गई। साधारण लोगों से, मीडियोकर लोगों से साधारण ही बात हो सकती है, ऊंची से ऊंची बात उनसे होगी कैसे? और साधारण होने का मतलब वही है, बना बधाया जीवन, बंधे हुए तौर तरीके, बंधी हुई सुरक्षा की अवधारणा, बंधी हुई आमदनी, बंधी हुई दिनचर्या। जो इस तरह से जिए हैं, तुम मुझे बताओ उनसे आज तक कौन सी ऊंची बात कही गई, बताओ। और अगर कही भी गई तो क्या उन्हें समझ में आई? जीसस जाते थे और साधारण लोगों से अपनी बात बोलते थे, कौन समझा? कुल 11 उनको अनुयायी मिले अपने जीवन भर में, उन 11 में से भी एक दगा दे गया, और जब मारे जा रहे थे तो बाकी 10 कहीं नजर नहीं आए। सुपात्र उनको मिला नहीं जनसाधारण में। सत्य किसी मगरूर प्रेमिका की तरह है,
जो कहती होगी मेरे सामने आना तो अपने खून में नहा के आना, दिखाना कि मुझसे कितना प्यार करते हो, तब तो मेरे सामने आना, मुझे छूना, नहीं तो मेरे सामने आना नहीं। पुराने किस्से हैं ऐसे कि बादलों के देश की अनन्य रूपवती राजकुमारी ने शर्त रखी थी कि जो राजकुमार मुझे जीतने आए वो पहले अपने ही रक्त में स्नान करके आए। और उसके द्वार के बाहर एक तलवार रखी होती थी और कहती थी जिसमें ये हिम्मत नहीं कि अपने को ही काट सके उसे मेरे सौंदर्य के दर्शन भी नहीं होंगे। सत्य वैसा ही है। अपने को काटने का मतलब ये सब थोड़ी होता है कि खाना नहीं खा रहे हो कि ये कि वो। अपने को काटने का सीधा मतलब समझो, अपने काटने का मतलब यही है कि तुम जैसे जी रहे हो उसकी व्यर्थता को देखो, उसके आलस को देखो, उसके ढर्रे को देखो और उसको रोक दो, उसको काट दो। अपने को काटना, ये अपना माने क्या? अपना माने मैं माने वही सब कुछ जो मैं दिन रात कर रहा हूं। मैं माने और थोड़ी कुछ होता है। मैं की शास्त्रीय परिभाषाओं में मत फंस जाइएगा। मैं का मतलब यही होता है जो रोज़ तुम दाढ़ी बनाते हो, जो रोज़ तुम एक सा नाश्ता करते हो, जो रोज़ तुम एक से कपड़े पहन लेते हो, इसको ही तुम मैं बोलते हैं। जो रोज़ तुम उठते ही विचार करते हो कि आज दफ्तर में क्या होना है, यही तो मैं है। मैं माने और क्या? मैं माने न तो तीन अवस्थाएं, न पांच कोष्ठ, मैं माने यही। कि साहब को कद्दू की सब्जी ही पसंद है, ये मैं। कि साहब धूप बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये मैं। साहब को रोज टीवी पर अपना पसंदीदा देखते हो शब्द क्या? सीरियल, सीरीज। सीरीज माने जानते हो क्या होता है? जंजीर, उसी में होते हैं, कड़ी दर कड़ी, क्रम दर क्रम। तुम वही देखते रहते हो सीरियल, कि जहां कुछ बदले ना, सब कुछ क्रमवार हो, उसे कहते हैं सीरियल। मैं माने यही सीरियल। हम सब सीरियल हैं। तुम देखोगे अगर पिछले बुधवार रात 9 बजे कहानी जहां पे रुकी थी, अगले बुधवार रात 9 बजे कहीं और से ही शुरू हो गई, कड़ी टूट गई, कुछ नया आ गया, तुम कहोगे धोखा हो गया ये तो। तुम चाहते हो अगले बुधवार भी वही देखना जो तुमने पिछले बुधवार देखा था, बस जरा संवाद बदल गए हो, बात वही हो, अदायगी बदल गई हो। यही तो मैं है और मैं क्या है। जो इस मैं को काट सके उसे राजकुमारी के दर्शन होंगे।
सत्य उनके लिए है जो एक जीवन में हजारों जीवन जीना जानते हों। ये बात थोड़ी अजीब है, क्योंकि सत्य कहते हैं अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय सत्य सिर्फ उनके लिए है जो लगातार परिवर्तित हो रहे हों, जिन्हें परिवर्तन से डर ना लगता हो। जिन्हें परिवर्तन से डर लगता है उन्हें अपरिवर्तनीय नहीं मिलेगा। जैसे विनेश जी के लिए कहा, आज तुम्हारा चित्र लिया जाए और 6 महीने बाद लिया जाए और लगे कि बात वही है, तो इसका मतलब है कि तुम जीवन से सौहार्द में नहीं हो। तुम जीवन से संघर्ष में हो। जीवन तो प्रतिपल चाह रहा है तुम्हें बदल दे। आप सामने वाला मैदान देखिए, 6 महीने बाद देखिएगा, वो ऐसा ही नहीं रहेगा। जीवन प्रतिपल चाहता है कि बदलता रहे। एक पेड़ भी लगातार बदल रहा है, फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि आपका चित्र जैसा आज है 6 महीने बाद भी वैसा रहता है? निश्चित रूप से आप बदलने के खिलाफ खड़े हैं। पेट बाहर निकल रहा होता है तो टमी टकर, उम्र बढ़ रही है तो झाइयां मिटाने के लिए लोशन, पेड़ का पत्ता पीला पड़ता है तो उसे शर्म आती है कभी? देखा है आपकी दाढ़ी सफेद होती है या आपके चेहरे पे झुर्रियां आती हैं तो आपको शर्म किस बात की है? हम बदलने के खिलाफ खड़े हैं, और जो परिवर्तन के खिलाफ है उसे अपरिवर्तनीय नहीं मिल सकता। इसी परिवर्तित होते रहने को कहते हैं अपने ही लहू में नहा के राजकुमारी के सामने जाना। तब वो अपने लावण्य का लाभ देती है, अन्यथा नहीं। कम से कम यहां इन 4 दिन बिल्कुल वैसे मत रहें जैसे रहते आए हैं। किसी को ये तर्क मत दें कि मुझे ये ठीक नहीं लगता या मैं ऐसा नहीं करता या मेरी तो रात में 10 बजे सोने की आदत है या मैं तो सुबह जल्दी उठ ही जाता हूँ या सुबह जल्दी नहीं उठता या मुझे खाने में ये पसंद है ये नहीं या कि मैंने आज तक तो ऐसा करा नहीं। आप क्या हैं, क्या करते आए हैं, अतीत में आपका क्या ढर्रा रहा है, उसका कम से कम इन 4 दिनों से कोई संबंध मत रखिए। कोई यहां देखने वाला नहीं है। अंदर की बात अंदर रहेगी। न घर वाले हैं, ना दोस्त हैं, ना मीडिया है। कोई टोका टोके टाकी नहीं करेगा, कोई आपकी इज्जत पर सवाल नहीं खड़ा करेगा। आप सुबह सुबह मिट्टी पर बच्चे की तरह लौटते नजर आते हैं, कोई नहीं कहेगा अरे इनका तो दिमाग चल गया है। करिए, आप लौट रहे होंगे तो 2-4 और आ जाएंगे, चलो हम भी लौटते हैं। देख लीजिए दांव पर गीता लगी हुई है, गीता नहीं महत्वपूर्ण है, अर्जुन महत्वपूर्ण है, अर्जुन होना है।